नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल अमन स्टेबल पे। आज हम बनाने वाले हैं आलू की रेसिपी। वैसे आलू की बहुत सारी रेसिपीज हैं जो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। उनमें से एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप घर पे बना सकते हैं, क्विक एंड ईजी रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, लेकिन बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको इस चैनल से जो भी न्यू रेसिपीज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेसिपी के लिए हमको चाहिए पोटैटो, इसको आपको कट कर लेना है 1/4 में, वेजेज में। इसको आप ऐसे कट कर सकते हैं, ये ईजी है कट करना, देख सकते हैं आप यहाँ पर इसको। अब इसी तरह हम जितने सारे पोटैटो हैं उसको कट कर लेते हैं। अब जो हमारा आलू कट किया हुआ है उसको हम ठंडे पानी में डाल देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। उससे क्या रहेगा, हमारा जो आलू का कलर है वो लूज नहीं होगा और जो एक्सेस स्टार्च है वो पानी के अंदर चला जाएगा। तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए पानी के अंदर छोड़ दीजिए। आलू जो हमारा है वो हो चुका है तैयार, कट कर लिया है। अब इसको हम उबलते हुए पानी में डालेंगे और 5 से 6 मिनट काफ़ी रहेगा उबालने के लिए। इसको टोटली जो है 100% कुक नहीं करना है, 30 से 40% अगर आप कुक करते हैं तो काफ़ी है, क्योंकि बाद में इसको हम फ्राई करने वाले हैं। पोटैटो उबल के तैयार हो चुका है। अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे उसके लिए मैरिनेशन या कोटिंग। मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे फ्लावर, नॉर्मल फ्लावर। यहाँ पे है कॉर्न स्टार्च, यहाँ पे हो गया कॉर्न स्टार्च। उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, ओरिगिनो एंड पेपरिका पाउडर। अगर आप चाहें तो देगी मिर्च भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमने डाल दिया है, हमको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैरिनेशन है उसको हम आलू के साथ में मिक्स कर लेंगे इसको। यहाँ पे ये जो कोटिंग है आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये जो आप इसको कहीं रख सकते हैं घर में ड्राई प्लेस पे। अब इसको ईजिली, बिल्कुल ईजिली बेबी की तरह इसको आपको मैरिनेट करना है, क्योंकि ये जो पोटैटो है ये ऑलरेडी बॉयल्ड है और इसमें जो टूटने का चांसेस है वो ज़्यादा रहेगा। तो इसको आप देखिए, इसको अच्छे से आप कोट कीजिए। इसको अच्छे से मैं मिला के इसको मिक्स कर लेता हूँ मैं। ये हम लोग फ्राई करने वाले हैं इसको। हमारा तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, मैं सनफ्लावर ऑयल यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपना जो पोटैटो हमने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे फ्राई करने के लिए। अच्छा से कोट किया हुआ है, रेडी है, कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका और क्रिस्पी भी है। इसको मैं एक जगह पर निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे वाइट पेपर यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो एक्सेस ऑयल है ये यहाँ पेपर में स्टक हो जाएगा। आलू है यहाँ पे, वो तैयार हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग बनाने वाले हैं अब हम बनाने वाले हैं सालसा। सालसा के लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ रेड ऑनियन, गार्लिक, टमाटो, हालापिनियो चिली, लेमन एंड पार्सली। अगर आप चाहें तो आप कोरिएंडर भी यूज कर सकते हैं। अब जितने भी हमारे पास में वेजिटेबल अवेलेबल है उसको मैं चॉप कर लेता हूँ। हमारे सारे वेजिटेबल रेडी है, इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं चॉप जो वेजिटेबल है उसमें ऑलिव ऑयल। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे सॉल्ट। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद हमारा लेमन जूस। अच्छे से निचोड़ लेता हूँ इसको मैं, मिक्स कर लीजिए इसको। अब हमारा सालसा जो है वो तैयार हो चुका है। आपको सालसा में भी बहुत सारी वेराइटीज इन्फ्यूजन मिलती है, तो आप जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जेस्ट लीजिए। हो गया हमारा सालसा तैयार। अब करते हैं हमारा जो प्लेटिंग है, रेडी है फूड हमारा। सालसा ऐड कर दिया है, मायोनीज ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैं चीज़ ऐड करने वाला हूँ। चीज़ पारमेजन भी हो सकता है और कोई सा भी चीज़ आपको पसंद है। पोटैटो गर्म रहेगा तो इसको ओवन में डालने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं।
तो आज का हमारा पोटैटो मैक्सिकन स्टाइल पोटैटो वेजेज मैक्सिकन स्टाइल तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, घर पे ट्राई कीजिए। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है बनाना। और मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ में। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह की बहुत सारी रेसिपी देखने को मिलती है। नमस्कार।